जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे क्या अंतर है वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैदिक एज एंड वैदिक सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत ही आसान भाषा में जीके जीएस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर को समझ लेते हैं। देखिए, इधर मैंने बना दिया है वैदिक एज, ठीक है, वैदिक सभ्यता, और इधर हड़प्पा सभ्यता। आपने इन दोनों का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, या आप चैनल लिस्ट में वहां पे जाके हिस्ट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं वैदिक, ठीक है, वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो मतलब रहन सहन था वो ग्रामीण टाइप का, ठीक है, विलेजर्स टाइप था। ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, और यही बात करें हड़प्पा की तो वो थी शहरी सभ्यता, मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी ऐसा मान लीजिए। ठीक है, आगे समझते हैं कि उस समय के जो आवास स्थान बनते थे या आवास के जो भी रहन सहन के जो मतलब बनाई जाती थी रहने के लिए घर, ठीक है, वो बांस और घास से बने होते थे। ठीक है, उनके आवास का निर्माण होता था, बनता था। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसमें मतलब पक्के ईंटों से घर बनाई जाती थी। ठीक है, आगे बात करें तीसरे नंबर पे, तो वैदिक सभ्यता में उनके लोगों को, वैदिक काल के लोगों को घोड़ों का ज्ञान था, ठीक है, हॉर्स का ज्ञान था। ठीक है, जबकि घोड़े से परिचित ही नहीं थे, ठीक है, घोड़े से परिचित ही नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे बात करें, आर्य देवता को प्रधानता दी जाती थी, ठीक है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें देवी को प्रधानता दी जाती थी। इसमें कोई मतलब भगवान नहीं है, कोई देवी नहीं, मतलब कोई देवता नहीं, इधर देवी की प्रधानता दी जाती है और इधर क्या, आर्य देवता को प्रधानता दी जाती थी उस टाइम। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर पे, राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, राजतंत्रात्मक थी, जबकि इसमें गणतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसके जो मतलब लोग रहते थे एकजुट, ठीक है, उसमें राजतंत्रात्मक थी और इसमें गणतंत्रात्मक थी। ठीक है, आगे समझते हैं छह नंबर पे, कि इसमें ना युद्ध के क्षेत्र मतलब जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, युद्ध के, ऐसा मतलब कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में लोग युद्ध वगैरह, ठीक है, किए हैं। तो आगे समझते हैं छह नंबर पे, हड़प्पा सभ्यता में इसमें युद्ध का कोई ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, कि कैसे लड़ाई होता है। ठीक है, आगे परिवार पितृसत्तात्मक था, जबकि इसमें परिवार मातृसत्तात्मक था। आगे समझते हैं, इसमें ना ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, लोग मिलजुल के रहते थे, जबकि यहाँ पे मतलब रहना पसंद नहीं था, एकल परिवार था। ठीक है, आगे नवा, अर्थव्यवस्था कृषि पर पूर्ण रूप से आधारित था। ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक थी, ठीक है, वो टोटली डिपेंडेंट थे किस पे, तो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे मतलब आधारित थी। अगला बात करें इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की, तो वो भाई साहब उद्योग पे आधारित थी। ठीक है, आगे दस नंबर की बात करें कि जो पूजा पद्धति योग्य पे आधारित थी, जबकि इसमें पूजा मूर्ति को मतलब माना जाता था। ठीक है, हमने आपको बताया कि किसका मूर्ति बनाकर लोग पूजते थे। ठीक है, तो इसमें मूर्ति बना करके लोग पूजा करते थे। आगे बात करें 11 नंबर की, 11 नंबर, तो वैदिक काल में पवित्र पशु गाय थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो पवित्र पशु बैल को माना जाता था। ठीक है, आगे समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, किसमें वर्ण व्यवस्था क्या है, हम आपको अभी समझाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, जबकि इसमें वर्ण व्यवस्था पाई ही नहीं जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। आगे जो 13 नंबर की बात करें, तो पशु मांस काफी प्रिय होता था, ऐसा माना जाता था, मतलब एकदम बड़े चाव से लोग खाते थे, पसंद करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मछली का मांस काफी प्रिय होता था, लोग ज्यादा मतलब चॉइस करते थे, खाते थे। आगे बात करते हैं इंद्र देवता की पूजा होती थी, ठीक है, किसमें, वैदिक एज में, वैदिक सिविलाइजेशन में, जबकि हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, आगे समझ लेते हैं इसमें इंद्र की और इसमें मातृदेवी की। अब चलिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वर्ण व्यवस्था क्या होती है, तो आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं फटाफट। देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मण थे मतलब
मुख, ठीक है, और क्षत्रिय भुजा यानी कि हाथ के लिए, वैश्य जांघों के लिए, जबकि शूद्र पैरों के लिए। अब इनका क्या अनुष्ठान, देखिए इनका वर्क क्या था, तो अनुष्ठान को संभालना ब्राह्मण का कार्य था, ठीक है। क्षत्रिय शासन को देखता था, उसके मतलब क्षेत्र को समझता था, समझाता था, ठीक है, मतलब देखभाल करता था, केयर आफ्टर, ओके। वैश्य क्या था, जो कृषि से व्यवस्था को टेक ओवर करता था, जबकि शूद्र 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 जो थे वो मतलब सर्वेंट के रूप में कार्य करते थे, सेवा वगैरह करते थे, ठीक है। अब मैं आपको समझा समझा गया, ठीक है, वर्ड व्यवस्था। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या अंतर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन में, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।